दोस्तों, आज हमारे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इन दामों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में लोग गाड़ियों को छोड़कर साइकिल चलाने वाले हैं, और चलाएं भी क्यों ना। भारत में ये रेट एकदम से बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल और डीजल से ज्यादा महंगा पानी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत। दोस्तों, हम आपको इस बारे में कुछ बताएं, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर देश कौन सा है। सोचिए सोचिए, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पेट्रोल और डीजल से ज्यादा महंगा पानी मिलता है। सऊदी अरब में पेट्रोल और डीजल सिर्फ 47.87 रुपए लीटर और पानी 375 रुपए लीटर मिलता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले बिना कुछ सोचे इस वीडियो को फटाफट लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी तो पता चले कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से पानी पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा मिल रहा है। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में तेल की इंपॉर्टेंस कई ज्यादा है। आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ही इस तेल पर निर्भर है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर देश वो हैं जो तेल को एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हमारे लिए तेल एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, वैसे ही हमारी बॉडी और हमें जिंदा रखने के लिए पानी भी जरूरी है। आप खुद इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि पानी के बिना हमारा रहना नामुमकिन है। अब जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पानी पेट्रोल और डीजल से भी महंगा है। आज के वक्त की बात करें तो सऊदी अरब में एक लीटर पेट्रोल और डीजल का दाम 2.34 सऊदी रियाल है। इंडियन करेंसी के हिसाब से ये 47.87 रुपए है। वहीं अगर एक लीटर पानी के दाम की बात करें तो ये 18.35 सऊदी रियाल है, इंडियन करेंसी के हिसाब से 375 रुपए। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से पानी के दाम आसमान छू रहे हैं और तेल इतना सस्ता क्यों है। जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर देश है, और उसकी वजह यह है कि इस देश के अंदर ही सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। 2018 में एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि सऊदी अरब हर दिन करीब 1 करोड़ बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल प्रोड्यूस करता है। जाहिर सी बात है कि जिस देश में इतना ज्यादा तेल का भंडार है, वहां पर आम लोगों के लिए तेल तो सस्ता होगा ही। अब तेल के बाद आते हैं पानी पर। यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर सऊदी अरब में पानी क्यों महंगा है। तो इसका जवाब भी बहुत आसान है। दरअसल सऊदी अरब में पीने का कोई पानी है ही नहीं, और यही वजह है जिसके कारण सऊदी अरब में पानी महंगा है। आपको भले ही ये बात थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन ये बात 100 आने सच है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब में पानी का कोई नेचुरल सोर्स नहीं है। अगर आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो एक बार आप सऊदी अरब का मैप उठाकर देख लीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि सऊदी अरब में ना तो कोई झील है ना ही कोई नदी है, ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों। सऊदी अरब में बारिश भी साल में 1 या 2 बार ही होती है। आप कभी यहां जाएंगे, बंजर जमीन और रेत ही रेत हर जगह नजर आएगी। अब आप इसे सऊदी अरब की बदकिस्मती भी समझ सकते हैं कि इतना सारा तेल होते हुए भी सऊदी अरब पानी की किल्लत में जीने को मजबूर है। आज के वक्त में सऊदी अरब के पास पानी के सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के नीचे का पानी, आप इसे भूमि का जल भी बोल सकते हैं। वहीं दूसरा ऑप्शन है समुद्र का खारा पानी। अब इस पानी को पीने लायक बनाने के लिए सऊदी अरब को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। खैर, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। ये दुनिया में पीने के पानी का सबसे अच्छा खासा स्रोत है। यहाँ पर बात सऊदी अरब की हो रही है तो सऊदी अरब की जमीन के अंदर जो पानी मौजूद है वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्राउंड वाटर का बैलेंस बारिश से बनता है। अगर सही मात्रा में बारिश होती रहे तो ग्राउंड लेवल का पानी हमेशा सही मात्रा में होता है और मेंटेन रहता है। अब सऊदी अरब में बारिश तो लगभग ना के बराबर ही होती है। अब ऐसे में ग्राउंड में मौजूद पानी का लेवल नीचे ही रहता है। ऐसे ही करते करते आज सऊदी अरब का ग्राउंड वाटर इतना निचले स्तर पर चला गया है कि ये बस एक नाम मात्र रह गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्राउंड वाटर के खत्म होने के पीछे कहीं ना कहीं इसमें हाथ सऊदी अरब का ही है।
कहते हैं कि वहां पर ग्राउंड वाटर वाली प्रॉब्लम हमेशा इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। हुआ ये कि साल 1970 में सऊदी की सरकार ने अपने नागरिकों को गेहूं की खेती करने के लिए बोला। अब वहां के लोगों ने सरकार की बात मानते हुए कुएं खोदे और बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती शुरू कर दी। इस दौरान किसी का भी ध्यान पानी पर नहीं गया, जिसकी वजह से सभी ने बिल्कुल बेधड़क होकर पानी को बहाया। यहाँ पर सऊदी अरब की सरकार ने लोगों को खेती करने के लिए इसीलिए नहीं कहा था क्योंकि वो इसमें नंबर वन बनना चाहते थे कि वो अपनी बंजर जमीन को हरा भरा बना सकें। अब यहाँ पर हुआ ये कि जमीन तो हरी भरी नहीं हुई, लेकिन गेहूं की खेती के लिए जो कुएं बनाए गए थे वो जरूर सूख गए। एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि साल 2010 आते आते सऊदी अरब के ऑलमोस्ट सभी कुएं सूख गए। अब ऐसे में सऊदी अरब के लोग बिना पानी के तो रह नहीं सकते थे और इसीलिए उन्हें दूसरा ऑप्शन कैसे भी करके खोजना ही था। क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो हमारी बात से हम ही भरेंगे कि तेल के बिना तो हम इंसान फिर भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ग्राउंड वाटर के सूखने के बाद सऊदी अरब ने अपने कदम समुद्र की तरफ बढ़ाए। आप एक बार फिर से जरा सऊदी अरब के नक्शे पर नजर डालिए। मैप में आपको सऊदी के एक तरफ अरब की खाड़ी नजर आएगी और दूसरी तरफ रेड सी, जिसको लाल सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब सऊदी अरब के पास इन समुद्र के खारे पानी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। दरअसल दोस्तों, समुद्र का पानी पीकर जिंदा नहीं रहा जा सकता है। आप अगर समुद्र के पानी को पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में सऊदी अरब जानता था कि इसे ठीक करने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही पैसे भी बहुत लगेंगे। वो कहते हैं ना दोस्तों, मरता क्या ना करता। ठीक कुछ ऐसी ही सिचुएशन सऊदी अरब की हो गई थी। अब ऐसे में चाहे जितने भी रुपए लगे, ना चाहते हुए भी सऊदी अरब को बहुत सारे वाटर प्यूरिफिकेशन के प्लांट्स लगवाने पड़े। इन सभी वाटर प्यूरिफिकेशन के प्लांट्स को असल लैंग्वेज में, इन प्लांट्स में समुद्र के खारे पानी में से नमक को हटाकर इसे पीने लायक बनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में पानी के मेन सोर्स यही डिसेलिनेशन प्लांट है। अब ऐसे में आप लोगों के दिमाग में एक सवाल फिर से घूम रहा होगा कि अगर सऊदी के लोगों को इन्हीं प्लांट्स में से पानी मिलता है तो फिर इतना ज्यादा महंगा क्यों है, क्योंकि समुद्र में पानी की कोई लिमिटेशन तो होती ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दोस्तों, समुद्र में खारे पानी को साफ करने के लिए जिस प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया, वो भले ही सुनने में आपको काफी ज्यादा आसान नजर आए, लेकिन रियलिटी में ये प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल और पेचीदा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत हद तक इन प्लांट्स का काम आपके घर में लगे जो आरओ करते हैं वैसा ही होता है। इन प्लांट्स के अंदर भी पानी को पहले छाना जाता है, उसी तरह से इसे प्योर बनाया जाता है। फर्क बस इतना है कि आपके यहाँ पानी की क्वांटिटी कम होती है और इन प्लांट्स में पानी की क्वांटिटी ज्यादा। अब जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा प्रेशर, और जितने ज्यादा प्रेशर की जरूरत होगी उतनी ही एनर्जी भी लगेगी। और यही वजह है कि इस पूरी प्रोसेस में पैसा काफी ज्यादा खर्च होता है। समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने में सऊदी अरब का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। अब जाहिर सी बात है, पानी को बनाने में जितना ज्यादा पैसा खर्च होगा, पानी मिलेगा भी उतना ही महंगा, और यही सिचुएशन सऊदी अरब में भी है। खैर, वो बात अलग है कि उसका खर्चा तेल से ही निकल जाता है, वरना अगर सऊदी अरब की जगह कोई और देश होता जहां पर तेल का कोई सोर्स नहीं होता, तो यकीन मानिए वो इस खर्चे को नहीं झेल पाता। खैर, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर क्यों कुछ देशों में पानी के दाम आसमान छू रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और अगर कुछ जानने सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके।